वेलकम टू फैशन गैलरी। आज हम अफ़गानी सलवार की कटिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि बहुत ही आसान मेथड से हो। तो आप 2 मीटर कपड़ा ले, उसको 4 फोल्डिंग में करें। पीछे की साइड की फोल्डिंग 2 इंच एक्स्ट्रा रखें, जिससे कि हमारी सलवार उठी उठी ना रहे। अभी हमें ये सलवार बनानी है 38 इंच की। ऊपर से हमने इसकी बेल्ट 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे बेल्ट के लिए, जिसमें हम रबड़ डालेंगे। मैंने 13 इंच आसन लिया है। ढाई इंच की हम कटाई करेंगे आसन की गोलाई में। 13 ही इंच हमने यहाँ से लिया है। 2 इंच आसन, 2.5 भी ले सकते हैं, मैंने 2 लिया है। लेंथ लेंगे हमें 38 इंच की सलवार बनानी है, तो हम 2 इंच कम लेंगे, क्योंकि नीचे 2 इंच की हम मोहरी लगाएंगे। नीचे चुन्नट डालने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 17 इंच, कम ज़्यादा आप अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। आसन से जो हमने निशान लगाया उसको मिला लेंगे। जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम निकाल देंगे। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ निकाला है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा सिर्फ और पीछे की तरफ का है। आसन की साइड से 2 इंच रखना है, बाकी उसी कपड़े के साथ तिरछी लाइन बना के हम इसको काट लेंगे। एक्स्ट्रा धागे निकाल लिए हैं। ये हमारी कटिंग तैयार हो चुकी है। ये नीचे की तरफ हम चुन्नट डालेंगे ऐसे।
ये हमने चुन्नट डाल ली है। अभी इसको जो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा हमने बोला था वो यहाँ से लेंगे और इसको अच्छे से चुन्नट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको दबाते हुए इस पर ऊपर से फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगाएंगे। और जो ये हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर से हम लेस को अटैच करेंगे बिल्कुल ऐसे अच्छे से। ये हमारी मोरी बहुत ही सुंदर लगेगी इस लेस को लगाने के बाद। देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ कितनी सुंदर दिख रही है हमारी मोरी। ये अंदर की साइड है और ये बाहर की साइड है। ये हमारे पीछे का साइड है और ये आगे का। पीछे का साइड 2 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए हमेशा, सलवार में अलग होती है लेकिन अफगानी सलवार और पैंट की कटिंग में हमेशा पीछे की साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। अभी हम ऐसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हमारी सिलाई रबड़ पे ना जाए। इसको मोड़ के ऐसे हम अभी इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे रबड़ को बचाते हुए। ये हमारी रबड़ है, इस निशान से नीचे की साइड हमें सिलाई लगानी है ताकि हमारी रबड़ सिलाई के नीचे ना दबे। मेरी कमर 36 है और मैंने 30 इंच की रबड़ ली है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने अपने रबड़ को डाल लिया है। अभी हम इसके बीचों बीच ऊपर से खींचते हुए एक सिलाई लगाएंगे। ये 2 इंच एक्स्ट्रा है हमारा पीछे का। अभी इस 1.5 इंच तैयार हो चुका है। अब हमारी इस पीछे से उठी उठी नहीं रहेगी। अब हम रबड़ के बीचों बीच एक सिलाई लगाने वाले हैं। रबड़ को खींच के रखना है और बीचों बीच सिलाई लगानी है ताकि अच्छे से रबड़ एडजस्ट हो जाए और वो आगे पीछे ना जाए, मुड़े ना। इसलिए खींच खींच के सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे धागा टूटे ना। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। आप देख सकते हैं ये अंदर की साइड है, ये बाहर की साइड है। ये हमारी सलवार बनकर तैयार है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी अफगानी सलवार है, बिल्कुल अच्छे से बनी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर बनी है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।